Welcome to the Ghantas. अगली कैटेगरी है तो इसका पहला नॉमिनेशन है गुड्डू की गन। देख लो आप दो एक सेकंड देख लो इसको ठीक से। साला आधे मुल्क में तो सूखा पड़ा हुआ है, लोगों के पास खाने पीने को रोटी नहीं, रहने को छत नहीं, एक आदमी 56 इंच की छाती लेके घूम रहा है, ये सोने का लंड लेके घूम रहा है। मतलब क्या लॉजिक है ये, मतलब जब ये मास्टरबेट करता है अशरफियां निकलती हैं उसमें से। किसका आइडिया यार ये? अब आजकल इंडिया में सब कुछ हो रहा है, गणेश की प्लास्टिक सर्जरी से लेके सोने के लंड तक। वी हैव फाइनली अराइव्ड एज अ नेशन। हाँ, ये एक अमीरों की एक पिक्चर थी दिल धड़कने दो, जिसमें कुत्ता भी आमिर खान के जवान बोल रहा था। इतना पैसा किसके पास है कि पूरा जहाज बुक करके पूरे कुटुंब खानदान को लेकर चल देते हैं कि हम घूमने जा रहे हैं। कितना पैसा इनके पास, इतना पैसा खर्च कर दिया पूरी पिक्चर में कि बाद में फिर आमिर खान को कास्ट कर नहीं पाया तो आवाज से ही काम चलाना पड़ा इनको। लेकिन फिर भी मुझे दिल धड़कने दो जो है ना, वो फिल्म अच्छी लगती है क्योंकि उसने एक हैप्पी जॉइंट हैप्पी इंडियन फैमिली का जो मिथ है ना, उसको बस्ट कर दिया है कि हिंदुस्तानी जॉइंट फैमिली में कितनी चौध है ना, इस पिक्चर ने दिखा दिया। सूरज बाढ़ जाते ने 25 साल से हैप्पी इंडियन फैमिली दिखा दिखा के हमारी गांड में डायबिटीज का घूमड़ा कर दिया है। यार प्यार का पंचनामा 2। देखो जी, मैं यूपी से हूं, हमारे यहां जब भी प्यार होता है ना, पंचनामा लाशों का होता है, जिसको आप लोग ऑनर किलिंग कहते हैं। कट्टाप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? मेरा सिंपल लॉजिक तो नाम ही कुटाप्पा है उसका यार, वो धर देगा आते चलते, उसमें क्या है। लेकिन फाइनली बारीकी सोच के इसको थप्पड़ पड़ा है पिछले साल बाहुबली को, तो यार गणपति के पैसे नहीं दे रहा होगा, ये नेशनल एंथम पे खड़ा नहीं हो रहा पिक्चर के बाद, या भारत माता की जय नहीं बोल रहा होगा। पिछले 2 सालों में इन बातों के ऊपर बड़े बड़े बाहुबली पिट गए, तो इसको इसी वजह से थप्पड़ पड़ा होगा मेरे ख्याल से, तभी अर्णब गोस्वामी परेशान है। इसमें धनुष जी बोल नहीं पाते हैं तो अमिताभ बच्चन अपनी जबान का तीर चला के इनको दे देते हैं कि मेरी आवाज आप इस्तेमाल करोगे। इस पिक्चर में ज्यादा कुछ बोलने को है नहीं, तो मैंने सोचा कि थोड़ा अगर इतना दिमाग लग ही रहा है आपका, तो जो हमारे पिछले प्राइम मिनिस्टर थे जो बिल्कुल भी नहीं बोलते थे, और जो हमारे प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर हैं जो जरूरत से ज्यादा बोलते हैं, उनकी आवाज अगर पिछले प्राइम मिनिस्टर को दे दी जाए तो 10 साल तक हमारा प्राइम मिनिस्टर नवजोत सिंह सिद्धू होता। सर मैं क्या बोलूं, आप आ ही जाओ ना, किधर हो, आ जाओ सर। ये माइक मैं इनको दूं, सर वेलकम सर। थैंक यू सो मच यार, थैंक्स अ लॉट गाइस। लेट मी टेल यू, यस दिस इज अ फिल्म आई डिड, सो द पीपल हु डिडंट नो, थैंक यू टू घंटा फॉर ब्रिंगिंग इट टू द नोटिस। इस बात पे तुम मुझे घंटा क्या दोगे, मैं तुम्हें घंटा देने को तैयार हूं। डराओ मत मेरे को, मैं तो आपसे 3 एक सवाल पूछना चाह रहा था, मुझसे कहा गया था आपको बुला के सवाल पूछे क्योंकि आप बड़े जज्बे से इधर आएंगे। सर मेरा पहला सवाल आपसे ये था कि आपने 10th के बाद कॉमर्स ली थी क्या? नहीं यार। क्या लिया था सर? मैंने आर्ट्स किया था, ह्यूमैनिटीज। हाँ सर, मतलब हरकतों से गलत फहमी हो जाती है ना, क्योंकि क्या होता है ना कि जिनकी टेक्निकल फैकल्टीज थोड़ी एडवांस होती है, मतलब उनको उस वक्त लगता है वो साइंस ले लेते हैं, और जो इंटेलेक्चुअली थोड़े ज़्यादा अपने आप को इवॉल्व समझते हैं वो आर्ट्स लेते हैं, जो कि आपने लिया, और जिनको पता ही नहीं होता कि वो किस तरह है वो कॉमर्स में चले जाते हैं। और सर हर एक्टर को ना, मतलब ये हर एक्टर की जिंदगी में कोई एक इंसान होता है जो उसको ये बोलता है कि भाई तू ना एक्टिंग कर, ये
नहीं या तो उसका कोई दोस्त होता है या कोई फैमिली मेंबर होता है या फिर कोई पुराना कोई भी मतलब कोई कह सकता है यू आर गुड एट दिस यू नो आर्ट एंड प्लीज गो अहेड विद इट. आपकी जिंदगी में कौन था सर? यार श्रुति सेठ मेरी फ्रेंड है, उसने मुझे कहा था. अब कहाँ कहा था कि एक्टिंग कर ये मत पूछना बिकॉज उसका हस्बैंड भी यहाँ आया हुआ है. सर एक काम करो, हस्बैंड बेशक यहाँ पे हो लेकिन उन्होंने आपका करियर खराब कर दिया. आप अच्छे खासे नौकरी कर रहे होते कहीं पे, उन्होंने श्रुति को मौका पहले मौके पे ही ना जहर खिला देना, चूहे मारने वाली दवाई. बट देन अगेन इस कैटेगरी में सर बहुत बहुत शुक्रिया आप इधर आए. इस कैटेगरी का घंटा जो है वो मनी जी के खाते में ही जाता है, तो एक बड़ी सी तालियां बजा दें यार. थैंक यू सो मच. ये सर पकड़ाओ यार. आज मैं आई हैव अराइव्ड इन लाइफ सर. घंटा मुझे दिया एंड फाइनली ही इज अराइव्ड. बेसिकली ही इज काम. लवली. वेल रियली थैंक यू सो मच. मैं सच्ची तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ बिकॉज जब मैंने ये फिल्म करी थी मुझे लोगों ने कहा था मनीष क्या कर रहा है, इस फिल्म के लिए तुझे घंटा भी नहीं मिलेगा. आई एम सो हैप्पी आई प्रूव्ड एवरीबडी रॉन्ग. एंड अभी थोड़ी देर पहले कहा गया कि गुड लुक्स सब कुछ नहीं होती, सो वो मुझे पता चल गया है कि गुड लुक्स से सब कुछ नहीं होता, लोगों में टैलेंट भी होना चाहिए. गुड लुक्स मैंने अपने लिए लिए, टैलेंट तो मैं दे दिया. थैंक यू सो मच. बट रियली थैंक्स अ लॉट. इतने इतने बड़े लोगों के सामने मुझे अवार्ड मिल रहा है. नसीर सर मैं ये अवार्ड एक्सेप्ट कर रहा हूँ. थैंक यू सो मच. आप नहीं, आपके भी आप नहीं सर. डोंट वरी सर, आई एम वेरी ग्रीडी. चाहे अच्छा अवार्ड हो चाहे कैसा भी हो मैं डेफिनेटली अपने घर ही लेके जाता हूँ.